और बात पाकिस्तानी मॉडल रोमा माइकल की करते हैं, जिनके एक वीडियो पर पाकिस्तानी कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ नफरती कैंपेन शुरू कर दिया। रोमा माइकल को धमकियां इसलिए दी जा रही क्योंकि उन्होंने मिस वर्ल्ड ग्रैंड प्रतियोगिता में बिकनी पहनकर रैंप पर कैटवॉक किया। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोमा माइकल इन दिनों अपने ही मुल्क में कट्टरपंथियों के निशाने पर हैं। वजह है एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में बिकिनी पहनकर रैंप वॉक करना। आतंकियों के पनाहगार देश पाकिस्तान को विश्व मंच पर अपनी छवि बदलने का एक मौका मिला था। पाकिस्तान की एक खूबसूरत बेटी दुनिया भर में अपने मुल्क की एक नई तस्वीर बनाने में जुटी थी। इस्लामिक कट्टरवाद की छवि से बाहर निकलते पाकिस्तान की छवि, महिलाओं को खुलकर अपनी जिंदगी जीने देने की आजादी वाले पाकिस्तान की छवि, और शरीयत कानून को पीछे छोड़कर आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ने वाले पाकिस्तान की छवि। लेकिन ऐसा हो न सका। कट्टर पंथ के कीचड़ में रहने वाला पाकिस्तान खुद को वहां से बाहर निकालना ही नहीं चाहता। इसीलिए पाकिस्तान के कट्टरपंथी रोमा माइकल के दुश्मन बन बैठे हैं। रोमा माइकल को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी हैं। दरअसल एक दिन पहले रोमा माइकल ने मिस वर्ल्ड ग्रैंड 2024 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए बिकिनी कॉस्ट्यूम में रैंप वॉक किया। अपने इसी वीडियो को रोमा माइकल ने जैसे ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, वैसे ही पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों के कलेजे में आग लग गई। सोशल मीडिया पर रोमा के उस वीडियो को टैग करके उन्हें कोसा जाने लगा, गालियां दी जाने लगी। सोशल मीडिया पर रोमा माइकल को कुछ इस तरह से पेश किया जाने लगा जैसे उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान की बहुत बदनामी करा दी है और कंगाल पाकिस्तान की बची खुची इज्जत भी नीलाम कर दी है। कट्टरपंथियों का कहना है कि रोमा माइकल को हिजाब पहनकर रैंप वॉक करना चाहिए था, लेकिन बिकिनी में रैंप वॉक करके रोमा माइकल ने पाकिस्तान की तौहीन की है। कट्टरपंथियों का दबाव और खौफ ऐसा कि रोमा माइकल ने अपने इंस्टाग्राम से वो वीडियो डिलीट कर दिया जिस पर इतना बवाल मच गया। सोशल मीडिया पर रोमा माइकल के लिए पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का नफरती कैंपेन देखकर कुछ यूजर्स ने उसके लिए चिंता भी जताई। एक यूजर ने लिखा कि उम्मीद है कि वो इसके बाद भी जिंदा होगी, जबकि कुछ यूजर्स ने रैंप पर उनके टैलेंट की तारीफ की। कई यूजर्स ऐसे भी थे जो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों के ऐसे कमेंट देखकर निराश थे। ऐसे ही एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान में अभी भी महिलाओं को इतनी आजादी नहीं है। रोमा माइकल से पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की नफरत की एक वजह उनका भारत प्रेम भी हो सकता है। मिस वर्ल्ड ग्रैंड के एक इंटरव्यू में रोमा माइकल ने कहा था कि उन्हें भारत पसंद है, मौका मिला तो वो भारत घूमना चाहेंगी और उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आए तनाव को दूर होने की दुआ की। और शायद तभी से आतंकियों की सरपरस्ती में जीने वाले कट्टरपंथियों की आंख में रोमा माइकल चुभने लगी थी। Because she is gorgeous, beautiful, intelligent, and I would like to choose her because India and Pakistan were the same country, and it feels like home. And if she win, I will win, and I hope that India and Pakistan become friends again. You stop the war. Yes, they don't allow to go. I would love to visit India. रोमा माइकल एक पाकिस्तानी ईसाई हैं जो अभिनेत्री और पेशेवर मॉडल भी हैं। रोमा पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली हैं। उनके पास यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया से बीटेक की डिग्री है।
सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर के रूप में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इंस्टाग्राम पर उनके 75,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी रोमा माइकल एक सफल अभिनेत्री हैं। उन्होंने दिल्ली गेट, कहे दिल जिधर ऐसी कुछ फिल्में और तू जिंदगी है प्यारी निम्मो जैसे कुछ ड्रामा सीरीज से अपनी अलग फैन फॉलोइंग खड़ी की है। पाकिस्तान में ईसाइयों की हालत हिंदुओं से भी बदतर है, ये बात दुनिया जानती है। इसीलिए एक ईसाई लड़की को कामयाबी की बुलंदियां छूते देख इस्लामिक कट्टरपंथियों के सीने पर सांप लौटने लगा है। उन्हें पाकिस्तान में शरीयत खतरे में नजर आने लगी है। उन्हें चिंता सताने लगी है कि अगर इसी वक्त रोमा माइकल जैसी मॉडल पर लगाम नहीं लगाई गई तो पाकिस्तान की बेटियां शरीयत की बेड़ियों को तोड़कर जमाने के साथ आगे बढ़ जाएंगी।